बिहार के वैशाली जिले के रहने वाली मौसम कुमारी, जिसके दो छोटी छोटी बच्ची हैं, पति ने 5 साल पहले छोड़ दिया है और उसके बाद ससुराल वालों ने भी घर से बेघर कर दिया। मजबूर मौसम न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। मौसम कुमारी ने स्थानीय प्रशासन बिदुपुर थाना में शिकायत भी दर्ज कराई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की, लेकिन अब तक कोई न्याय नहीं मिला है। मजबूर मौसम आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से उनके आवास पे मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से मौसम का रो रो कर बुरा हाल है और अपना दर्द पप्पू यादव को बता रही हैं। पप्पू यादव ने तुरंत बिदुपुर थाना को फ़ोन लगाकर इस पूरे मामले में देखने का रिक्वेस्ट किया। साफ तौर पर पप्पू यादव ने इस मौसम को आर्थिक मदद भी की और आगे भी रोजगार चलाने को लेकर आश्वासन दिया कि पप्पू यादव आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे। तस्वीर देखिए किस तरीके से मौसम पप्पू यादव से बातचीत कर रही है। 5 साल से भटक रहे हैं, मेरा मायके वाला भी छोड़ दिया, बीमार रहते रहते छोटी सी बच्ची है, प्लीज राम की जी ने तो मर जाएंगे सर, प्लीज खाना में भजन दर्ज हुआ है, खाना को लगाना को ले गया, 10 साल से पड़ता है बहुत मुश्किल से आपके पास आए, हमको पता नहीं था कहाँ हट के लिए दर्जी के पास गए, सुनने के लिए घर आ गए थे या नहीं, नीतीश कुमार के पास गए, देखिए नीतीश कुमार के पास गए, शरीर भी सुन जल्दी देख रहे थे आपको, देख रहे पुराना चीज है तो मैं 4 महीना होते ही रद्द करते ही है इतना, मतलब हेलो 4 महीना लेट करवा रहे हैं जी, प्रणाम, माननीय पप्पू यादव जी बात करेंगे, थाना प्रभारी जी देखो, हेलो 516 अरे भाई मेरे उजरा देखिए ना, 516 केस नंबर है, इसका हस्बैंड दूसरा शादी और मैं इसको कुछ देता मारपीट करता हूँ, ये बेचारी दर दर की ठोकर खा रहा है, मौसम कुमारी नाम है बिदुपुर, भाई मेरे इसको देख दीजिए, न्याय दिला दीजिए प्लीज, आपकी बेटी होती तो आप क्या करते, प्लीज ब्रदर प्लीज, आप मेरे खून भी आप हैं, प्लीज कर दीजिए भाई मेरे इसको, ठीक जाइए कर दीजिए, आप जाइए, आप थाना प्रभारी के पास जाइए ना,